उत्तराखंड में एनआईटी यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण की राह अब आसान हो गई है। दरअसल पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य अब तक वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण लटका हुआ था, लेकिन अब वन विभाग ने निर्माण के लिए चिन्हित भूमि में 989 पेड़ों के कटान की अनुमति एनआईटी और कार्यदायी संस्था को दे दी है। हालांकि पेड़ कटान से पहले एनआईटी को पर्यावरण संरक्षण की शर्त का पालन भी करना होगा। दरअसल जिस भूमि में एनआईटी निर्माण होना है वहां 1650 पेड़ हैं। हालांकि इसमें करीब 350 से अधिक ऐसे भी पेड़ हैं जिनके कटान के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, जबकि इस भूमि में खड़े आम, पीपल और बरगद जैसी प्रजातियों के पेड़ों को काटने के बजाय यहां से हटाते हुए दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की शर्त भी रखी गई है। पेड़ों के कटने पर इसी गांव में दोगुने पेड़ लगाने की शर्त का पालन एनआईटी को करना होगा, जबकि प्रति पेड़ 400 रुपए की एफडी भी एनआईटी को देनी होगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जो सुमाड़ी में नया एनआईटी का कैंपस है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कैंपस है, उसके निर्माण में जो बाधक बने वृक्ष है, इसकी कटान की अनुमति, पातन की अनुमति जो है हम लोगों से एनआईटी श्रीनगर द्वारा चाही गई थी। इसी क्रम में जो है 960 वृक्षों की पातन की अनुमति हम लोग जो है तीन फेजेस में देने जा रहे हैं। बट ये जो पातन की अनुमति है ये विभिन्न शर्तों के साथ दी जा रही है। जितने भी वृक्ष का पातन होगा उसके सापेक्ष जो है एक वृक्ष के सापेक्ष दो वृक्ष लगाने का जो है एनआईटी को हम लोगों ने उनसे एक वचनबद्धता प्रमाण पत्र लिया है, ताकि वो जो है जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। सेकंड, जो मैक्सिमम वृक्ष है जैसे पीपल के वृक्ष, आम के वृक्ष, अन्य जो 0 से 10 और 10 से 20 व्यास वर्ग के वृक्ष है जो ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, प्रतिस्थापित हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने ट्रांसलोकेट करने को उनको कहा है। और थर्ड जो हम लोगों के स्तर से बिंदु आया है कि मैक्सिमम वृक्ष जो है वो चीड़ प्रजाति के वृक्ष है, तो 970 वृक्षों की हमारे स्तर से अनुमति तीन चरण में दी जाएगी, ताकि जो है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो स्टेट के लिए है उसमें कोई भी प्रकार की बाधा ना बने।